टाइम, ये पहली बार हुआ है। लेकिन जो है ना, ये बड़ा मजेदार सा कोइंसिडेंस था, क्योंकि समरा हमेशा बोलती है वेलकम बैक एंड आई से एक्शन एंड समरा सेड एक्शन एंड आई सेड वेलकम बैक, तो ये बड़ा मजेदार सा हो गया। मैंने थोड़ा सा हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया। एनीवे, खैर ये सारी चीजें चलती रहेंगी बिकॉज हमें तो बहुत ज्यादा मोहब्बत है। आप लोग बताएं आपको हमसे कितनी मोहब्बत है, कॉल कीजिए भाई, सो क्यों रहे इस वक्त, जल्दी से कॉल करें क्योंकि सोना मना है, क्योंकि हम सो बचा मचा के उठा देंगे आपको, उठो उठो जागो, जैसे शहरी में वो बचाने आते हैं ना, ढोल बजा के आते हैं कि उठो 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 शहरी कर लो। हाँ, वो कुछ चैनल्स पे भी होता है कि वो ढोल बज रहे होते हैं कि वक्त हो गया उठो जागो इस तरह से। तो खैर इस वक्त हम आपको भी जगाने आए हैं क्योंकि ये वो वक्त है कि थोड़ी देर बाद जो है वो टाइम हो जाएगा कि इफ्तार लोगों के घर में तैयार हो रहा होगा। अच्छा चलिए, हमें कॉल करके यही बताएं कि आज आपके घर में क्या क्या बन रहा है, आप इफ्तारी में क्या क्या खाने वाले हैं, क्या क्या मजेदार सी चीजें होने वाली, क्योंकि इफ्तारी में तो ऑब्वियसली जो भी चीज बन रही होती है वो इतनी मजे की लग रही होती है क्योंकि रोजा होता है ना, सब हम खा नहीं सकते। बिल्कुल, और जब बाद में पूरे दिन के बाद जब हम इफ्तार पे बैठते हैं सबके साथ खाने बैठते हैं तो उस चीज का मजा मेरे ख्याल से दुबला हो जाता है, चाहे वो इवन एक छोटी सी खजूर ही क्यों ना हो। और नॉर्मल डेज में आपको इतनी मजेदार नहीं लगेगी बनिस्बत जब आप रोजे के वक्त बैठ के खाएं उसको। तो आप हमें जल्दी से फोन कीजिए और ये बताइए कि आज आप क्या तैयार कर रहे हैं अपने घर पे, और कोई फरमाइश क्या आपने की अपने घर वालों से, या अपनी बीवी से या अपनी बहन से फरमाइश की है, वो ही बता दें हमें जल्दी से कि मुझे आज ये खाना है, ये होना चाहिए, तो वो भी बता सकते हैं। माँ करती हो तुम इस तरह से घर में? मेरी बीवी भी नहीं है समरा नहीं, I mean के मैं डेफिनेटली अपनी मॉम से मैं फरमाइशी कर रही होती हूँ, और इनफैक्ट मैं चूज़ी भी बहुत हूँ इस चीज़ के बारे में, अगर कोई घर में ऐसी चीज़ बन जाए जो मुझे पसंद ना हो तो वो मैं नहीं खाती। तो उसके बाद फिर मैं मम्मा को बोलती हूँ जाके, मम्मा मुझे ये नहीं खाना, तो आपको पता है ना मैं ये नहीं खाती, मम्मा कहती है मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम करके रखा हुआ है, मुझे पता है तुम ये नहीं खाओ। ये तो हमारी अम्माओं का जो है मेरे ख्याल से एक ही इंस्टीट्यूट में उन्होंने सारी चीज़ें की ट्रेनिंग ली हुई है, उन सबको पता होता है कि हमारे बच्चों ने ये नहीं खाना है, तो उसका ऑल्टरनेट वो ऑलरेडी तैयार कर देती हैं और हर चीज़ का ख्याल रखती है। इवन घर के एक एक बंदे को ये पता होता है कि जी उसने क्या खाना है, उसके लिए क्या तैयार होना चाहिए। तो मॉम्स यू आर ऑल ग्रेट। इनफैक्ट हम सून हम एक चीज़ ऐसी प्लान भी करेंगे कि हम कोई एक इफ्तारी ऐसी आपको मज़ेदार सी जो है ना वो दिखा सकते हैं, खिला तो सकते नहीं है लेकिन हम आपको एक मज़ेदार सी इफ्तारी पर लेकर चलें और आपको दिखाएं कि हमारे घरों में या कहीं ऐसी स्पेशल जो है वो इफ्तारी बन रही हो तो वो हम आपके साथ शेयर करें। सून इंशाल्लाह विल डू दैट। और इसके अलावा हम आपके साथ चांद रात में भी बहुत सारी मज़ेदार सी चीज़ें करने वाले हैं, ईद पे भी हम आपके साथ बहुत सारी। अभी तो सरप्राइज सारे आप लोगों के लिए हमने एक जगह जमा करके रखे हैं, ये अभी हम अनफोल्ड भी नहीं करेंगे, इन्होंने जिक्र कर दिया, मैं तो वो भी नहीं करने वाली थी। नहीं लेकिन वो वाले सरप्राइजेस का फिर वेट होना चाहिए ना आपके पास कि हम सरप्राइजेस क्या क्या आपके लिए आने वाले हैं। तो आपको अब ये पता चल गया कि हम हर इवेंट के ऊपर आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आ रहे हैं। ओके, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई कॉल, दैट्स वेरी सैड बट इट्स ओके, आप हमें दोबारा कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आपके घर में इफ्तारी में क्या मजेदार सा बन रहा है। आपके साथ यहाँ पर हम मौजूद हैं टिल 5:30 और हम आपके साथ चीजें शेयर करते रहेंगे बहुत मजेदार सी, जैसे आज समरा और मैंने आपके लिए मिलकर बनाई है इमली की चटनी। स्पेशल इमली की चटनी है क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम सेट के ऊपर जाके तैयारी की है, वरना अक्सर मैं और महम जाके सिर्फ शेफ के साथ खड़े होते थे, अच्छा आपने ये डाल दिया, ये कर लिया, ये हो गया और तैयार करवा के यहाँ ले आते थे, लेकिन आज हम खुद गए तैयार करने के लिए। तो कैसा लगा आपको, और अगर कोई और चीज़ आपने कभी, हाँ फरमाइश भी तो हो सकती है लोगों की। Exactly, अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं लेकिन वो हम आपको उसी वक्त ऑब्वियसली बना के दिखाएंगे। नहीं ऑब्वियसली वो तो आप हमें पहले से आप फीडबैक जो हमारा देते हैं जिस तरह से, या तो फेसबुक के थ्रू तो आप हमें दे सकते हैं और कॉल करके भी इवन आप बता सकते हैं 0213225463। बहुत लंबा समरा ये बताओ कि हाँ जी तुम्हारा क्या दिल चाह रहा है इफ्तारी में खाने का? समोसे नहीं खाऊंगी। Oh my God, I expected that कि समरा ने यही बोलना है कि मुझे फिलहाल तो समोसे खाने का दिल चाह रहा है। नहीं मैं समोसा बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मैं पकौड़े खाऊंगी। आज तुम समोसे ही खाओगी समरा, एंड आई मैं तुम्हारे घर से कॉल आ गई। कॉल देखिए। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? बाजी खैरियत है? खुशबा ठीक ठाक है जी? बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं रमीज बात कर रहा हूँ बहराम से। अच्छा जी रमीज, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, कंबर के नजदीक हूँ। और समोसे की बात नहीं कीजिए, मुझे रोजा है।
अच्छा आपका रोजा है। अच्छा ठीक है, हम समोसे की बात नहीं करते, ये बताइए कि आपके घर में इफ्तारी में क्या क्या बन रहा है। बहुत कुछ बन रहा है। बताइए क्या क्या आपकी कोई फेवरेट चीज बन रही है? नहीं फिलहाल तो नहीं, फिलहाल नहीं बन रही है। अच्छा तो कोई फरमाइश नहीं की आपने कि आज घर में आप ये बनवाएं? जी फरमाइश क्या है कि जो अगस्त है गर्मी का मौसम है, ये महीने में फरमाइश नहीं करेंगे क्योंकि ये गर्म मौसम में मादक की खराबी होते है इसलिए। चले कोई मसला नहीं है रमीज, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पर, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं 3225-4673, लेकिन यहीं पर चलेंगे एक छोटे से ब्रेक पे, हमें हमारे साथ रहेगा।